जिला बिलासपुर में कोरोना वायरस के चलते गत 3 अप्रैल से शुरू किए गए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत जिला में अब तक 3,27,273 लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई टीमों द्वारा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिला की आबादी 4,11,000 है तथा अभी तक सर्वेक्षण 80% पूरा हो चुका है। जानकारी के अनुसार जिला बिलासपुर में पिछले 6 दिनों से चल रहे इस अभियान के तहत अभी तक कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस अभियान के तहत जिला में अभी तक 733 लोगों में मामूली फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, जिस पर संबंधित व्यक्ति को उनके नजदीकी स्वास्थ्य संस्थाओं में 5 दिन की दवाई दिलवाई गई है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में MOH डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि 5 दिन बाद इन लोगों के स्वास्थ्य की दोबारा जांच की जाएगी और यदि किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति का भी कोरोना का टेस्ट करवाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक एक्टिव केस फाइंडिंग पूरे हिमाचल में चल रही है और इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में भी हमारे हेल्थ वर्कर्स और आशा वर्कर्स बाकी और डिपार्टमेंट्स वाले लोगों से मिलकर घर घर जाके लोगों से कुछ एक सवाल पूछ रहे हैं। उनमें हम ढूंढ रहे हैं कि किसी में कोई फ्लू लाइक सिम्टम या सर्दी जुकाम खांसी वाले सिम्टम तो नहीं है। तो ये जो अभियान चला हुआ है इसमें अभी तक हमने तकरीबन 3 लाख लोग कवर कर लिए हैं, 4 लाख हमारी टोटल पॉपुलेशन है और हमें कोई 800 के करीब ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनमें खांसी जुकाम के लक्षण हैं, तो उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। 5 दिन के बाद उनकी दोबारा से एक बार देखा जाएगा कि ये लोग ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो 75% कवरेज हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट की कर ली है और आने वाले 2 दिनों में होपफुली हम बाकी सारी कवरेज भी कर लेंगे।